आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा चंद्रवंशी कौन है, ये किन किन जातियों के नाम से जाने जाते हैं और इनके व्यवसाय क्या थे। प्राचीन काल से ही इतिहास में चंद्रवंशी क्षत्रियों का नाम अंकित है। भारत में मुख्य रूप से चंद्रवंशी क्षत्रियों के दो वंश माने जाते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय। इन दोनों क्षत्रिय वंशियों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। रामायण और महाभारत भारत के दो प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामायण सूर्यवंशी क्षत्रियों का इतिहास है और महाभारत चंद्रवंशी क्षत्रियों का इतिहास है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, लेकिन राजा भरत और उनके वंशज पांडव और कौरव चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, जो अभी भारतीय संविधान के अनुसार चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज का वर्ग अत्यंत पिछड़ा जाति का है। आजादी से पहले इस समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी। चंद्रवंशी क्षत्रियों ने इस देश पर 5000 वर्षों तक राज किया है, ये इतिहास में दर्ज है। यहां तक कि इस देश का नाम भी चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के नाम पर दर्ज है। हस्तिनापुर नरेश महाराज भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भरत रखा गया है। चंद्रवंशियों को देवों के देव महादेव ने भी अपने मस्तक पर धारण किया है, ऐसा ये विशाल समाज है। कौरव और पांडव भी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। इन दोनों के बीच ग्रह युद्ध हुआ और ये दोनों आपस में ही लड़े। ऐसा कहा जाता है जो क्षत्रिय वर्ग के थे वही अपने देश के रक्षा और सम्मान के लिए सबसे आगे रहा करते थे। जब भी किसी का शोषण हुआ, क्षत्रिय सबसे आगे रहे। मुगल काल में क्षत्रियों का सबसे ज्यादा विनाश हुआ। वर्तमान में कई राज्यों में यही चंद्रवंशी कहीं खुद को कश्य बताते हैं तो कहीं खुद को कहार बताते हैं। इनका व्यवसाय आज से 40 से 50 वर्ष पहले, इनका व्यवसाय उच्च जाति के घरों में पानी पिलाने का कार्य करते थे, और इससे पहले इनका कार्य डोली उठाने का था और वे कहार जाति के नाम से जाने जाते थे। बहुत सारे अध्ययन के बाद यह पता चला कि इन्हें किसी भी उच्च जाति के लोगों ने छोटा और नीच नहीं बताया। अब बात आती है, जब चंद्रवंशी क्षत्रियों ने भारत पर 5000 वर्षों तक शासन किया तो वर्तमान में इनकी ऐसी स्थिति क्यों है। समय बदला, शासन बदली, मुगल शासन आई, अंग्रेजी शासन आई और इसके बाद क्षत्रियों का विनाश हुआ। मुगल शासन के दौरान इन क्षत्रियों का सबसे ज्यादा विनाश हुआ और इन क्षत्रिय वंशियों ने समय के साथ खुद को अन्य जाति में विभाजित कर लिया, कहीं कहार, कहीं कश्यप और कहीं अन्य जाति के नाम से ये जाने जाने लगे। वर्ष 1303 से पहले दुनिया भर के किसी भी इतिहास में कहार जाति के बारे में नहीं बताया गया है। वर्ष 1303 के बाद कहार जाति का उदय हुआ। इससे यह पता चलता है वर्ष 1303 के पहले कोई कहार जाति नहीं था, और ये जो कहार और कश्यप जाति के लोग हैं, ये कहार नहीं चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।